हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम देखेंगे कोरल रीफ्स के बारे में और साथ साथ देखेंगे कि ये जो कोरल ब्लीचिंग है ये क्या चीज़ है। ये जो एक्चुअली टॉपिक है ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से CDS में बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आ चुके हैं और आते भी रहेंगे। इसका मेन कारण क्या होता है कि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है। आप सभी ने सुना होगा जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो गर्मियों का मौसम आता है ऑस्ट्रेलिया में, जब यहाँ पर दिसंबर होता है, नवंबर दिसंबर का महीना होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये एक समर सीज़न है। वहाँ पे जो क्रिसमस मनाया जाता है समर में मनाया जाता है। वहाँ पे इस वक्त जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग होती है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है सबसे फेमस बैरियर रीफ है हमारे वर्ल्ड का और सबसे बड़ा भी। इस वजह से नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पे पिछले 3 सालों से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। इस वजह से ये नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ऊपर से ये CDS का और UPSC का फेवरेट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि ये कोरल रीफ है क्या और कोरल ब्लीचिंग है क्या। इसका एक एक पॉइंट जो है ध्यान से सुनना, क्योंकि इस पर अगर कोई भी MCQ आया तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, लेकिन इससे बाहर आपको कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं ये कोरल रीफ्स एक्चुअली में है क्या। अब ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये बनते कैसे हैं? जो हमारे सी ऑर्गेनिजम्स हैं, सी ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, एक्सोस्केल्टन रिलीज करते हैं। एक्सोस्केल्टन आपको पता है कि हमारे शरीर में भी हड्डियां होती हैं जिसको हम स्केल्टन कहते हैं। तो इसी तरह से ये एक्सोस्केल्टन क्या हुआ, ये जो कुछ हड्डियां हैं वेस्ट के रूप में ये सी ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रीट करते हैं, बाहर जो है छोड़ते हैं सी ऑर्गेनिज्म। और ये जो एक्सोस्केल्टन छोड़ते हैं ये किससे बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये जो एक्सोस्केल्टन जो रिलीज करते हैं सी ऑर्गेनिजम्स, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केल्टन होता है, ये जो रिलीज करते हैं सी ऑर्गेनिजम्स, उनको हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स। उनको क्या कहते हैं? कोरल पॉलिप्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि इसका आगे भी यूज़ होगा। अब क्या होता है कि ये जो एक्सोस्केल्टन रिलीज होता है ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये जो हड्डियाँ हैं, एक्सोस्केल्टन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो एक तरह के ऑर्गेनिज्म, यानी कि अब कैटेगरी अलग अलग होगी, मैंने आपको बताया है कि जो हमारे सी ऑर्गेनिज्म वो क्या करेंगे, एक्सोस्केल्टन रिलीज करेंगे। अब सी ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग तरह के होंगे। जो एक तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक्सोस्केल्टन को रिलीज करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कलोनी। अब दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म ने भी एक्सोस्केल्टन रिलीज किया होगा, वो भी बनाएंगे कलोनी। अब ये क्या होगा, ये जो सारी कलोनीज जब आपस में मिक्सअप हो जाएंगी, ये इकट्ठी कलोनीज जब मिक्सअप हो जाएंगी तो ये बनाएंगी रीफ। इसको कहते हैं रीफ। बहुत ज़्यादा कलोनीज जब मिल जाती हैं, कोरल कलोनीज, तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती है कोरल रीफ। आपको समझ आ गया होगा, एक सी ऑर्गेनिज्म एक्सोस्केल्टन रिलीज करता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब एक तरह के सी ऑर्गेनिज्म जो एक्सोस्केल्टन रिलीज करते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कोरल कलोनी। और बहुत सारी कलोनीज जो मिलकर क्या बनाती है, वो बनाती है कोरल रीफ। और ये जो एक्सोस्केल्टन है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CO3 से। तो आगे देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब ये देखिए वही चीज़ है, पॉलिप होते हैं, जो हमारे कोरल पॉलिप है वो एक्सोस्केल्टन रिलीज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करेंगे। वो जब बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे वो बनाएंगे कलोनी, और बहुत ज़्यादा कोरल कलोनीज जब मिल जाती हैं वो बनाती है कोरल रीफ्स। आगे देखते हैं अब क्या होता है, ये कोरल रीफ्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। हाई बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, यानी कि ये जो इन्वायरमेंट इसके आसपास होता है, कोरल रीफ के आसपास होता है, ये बहुत सारे सी ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर। हमारे जो ये कोरल रीफ्स है ये अंडरग्राउंड वाटर में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ पे पानी होगा, पानी के अंदर जो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स। यहाँ पे क्या होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी। जहाँ पे कोरल रीफ्स होंगे वहाँ पे बहुत तरह के एल्गी आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा बहुत सारी फिशेज देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी हाई बायोडाइवर्सिटी होती है।
यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं इसको। अब इसका एक और कारण क्या है, इसका एक कारण और ये है कि 25% जो पॉपुलेशन है सी ऑर्गेनिजम्स की वो कहाँ पाई जाती है, कोरल रीफ्स के पास। 25% जो पॉपुलेशन है सी ऑर्गेनिजम्स की वो पाई जाती है कोरल रीफ्स के पास, और कोरल रीफ्स के हिस्से में कितना एरिया आता है ओशियन का, आता है सिर्फ 1%। यानी कि 1% एरिया जो ओशियन का है उसमें जो है 25% सी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इस वजह से कोरल रीफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये याद रखना है। इसको कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत ज़्यादा। कोरल लव सिम्बायोटिक लाइफ, अब इसका क्या मतलब है, ये जो हमारे कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इस वजह से इनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये किस पर डिपेंड रहते हैं, ये डिपेंड रहते हैं ज़ूज़ेंथला पर। इस नाम को नोट कर लीजिए, ये जो कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात होगी उसको समझने के लिए ज़ूज़ेंथला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ज़ूज़ेंथला क्या है, ज़ूज़ेंथला है एल्गी। अब आपको पता है जो हमारा एल्गी होता है ये क्या करता है, एल्गी है भोजन बनाता है, एल्गी क्या करता है भोजन बनाता है, किस तरह से, फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से। अब एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाता है। अब क्या होता है, ये जो कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स जो है ये एल्गी के साथ रहते हैं, यानी कि ज़ूज़ेंथला के साथ रहते हैं। अब ये एक्सचेंज क्या करते हैं, ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ना ये अलग अलग तरह के कलर्स होते, कलर के होते हैं, अलग अलग तरह के कलर होंगे इनको, रेड पिंक येलो हर तरह का कलर होता है। ये जो इनको कलर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, वो करता है एल्गी, और उस एल्गी का क्या नाम है, उसका नाम है ज़ूज़ेंथला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है जो कोरल रीफ्स में कलर आता है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है एल्गी। अब क्या होता है, एल्गी को जो चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू, कोरल रीफ उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है और एल्गी क्या करता है बदले में ऑक्सीजन रिलीज करता है। और कोरल रीफ को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये दोनों उसको किससे मिलती है, ये मिलती है एल्गी से, एल्गी जिसका नाम है ज़ूज़ेंथला। जिस तरह से पेड़ और ह्यूमन बींग के बीच में रिश्ता होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और क्या होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो बदले में हमें देते हैं। तो इसी तरह से कोरल रीफ और एल्गी में रिश्ता होता है, एल्गी जो है कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करता है, उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है, कोरल रीफ से मिलती है, बदले में वो उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, भोजन देता है, ऑक्सीजन देता है जीवित रहने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कोरल रीफ पर रंग आते हैं, अलग अलग तरह के रंग होते हैं, और जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको मिलते हैं एल्गी से। तो आगे देखते हैं बाकी, अब देखते हैं ये जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में पाए जाते हैं हमारे कोरल रीफ। आपको पता है जो इंडिया में भी कोरल रीफ पाए जाते हैं कहाँ पे, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक बहुत ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है कोरल रीफ की, लक्षद्वीप। अब इसकी और कंडीशन क्या होती है, इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ये जितनी कंडीशन है ये पूछी जा सकती है, याद रखनी है। टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 25, जो वाटर होता है सलाइन वाटर, सलाइन वाटर। और इसकी पीपीटी कितनी होती है, सलाइन वाटर की पीपीटी होती है 27। यानी कि जहाँ पे कोरल रीफ पाए जाते हैं वो सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। पानी क्या होता है, वार्म वाटर होता है जिसका टेम्परेचर होता है 20 से 25। कहाँ पाए जाते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से 30 डिग्री साउथ लैटीट्यूड में। और जो हमारा पीपीटी होती है वाटर की, सलाइन वाटर होता है, उसकी पीपीटी होती है 27 पीपीटी के अप्रॉक्स। तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंडीशंस है कोरल रीफ की। इसके अलावा कोरल रीफ जो पाए जाते हैं 70 to 90 meters नीचे तक पाए जा सकते हैं, 70 to 90 meters, जैसे ये सरफेस है वाटर का, तो इससे 70 से 90 meters नीचे। अब क्या चीज़ है, ज़्यादातर ये जो है सरफेस के आसपास ही पाए जाते हैं। क्यों सरफेस के आसपास इस वजह से पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया है ये रहते हैं एल्गी के साथ, और एल्गी को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। एल्गी को भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए। इस वजह से जो सरफेस होता है वाटर का, इससे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं मिल सकते ये, बहुत ज़्यादा कोरल रीफ नीचे नहीं मिल सकते, क्योंकि इनको भोजन के लिए एल्गी पर डिपेंड रहना पड़ता है, और एल्गी को चाहिए सनलाइट। सनलाइट कहाँ मिलेगी, जो सरफेस है वाटर का उसके आसपास। तो
तो इस वजह से जो सरफेस होता है वाटर का, उससे सिर्फ 70 से 90 मीटर नीचे ही, 70 से 90 मीटर नीचे ही ये जो कोरल रीफ है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब रिवर रिवर जो है ओशियन में गिरती है, ये सपोज करो ओशियन है और यहाँ से रिवर आ रही है, तो यहाँ पे ये जो माउथ होता है ना रिवर का, यहाँ पे कोरल रीफ नहीं मिलते, यहाँ पे कोरल रीफ नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब रिवर ओशियन में गिरती है तो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, जहाँ पर भी सेडिमेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होंगे वहाँ पे कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेंगे। यही कारण है जो माउथ ऑफ द रिवर होता है वहाँ पे हमें कोरल रीफ्स नहीं मिलते। अब आगे देखते हैं, जो कोरल रीफ होते हैं वो चार तरह के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल और पैच रीफ। बैरियर रीफ के एक एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखते हैं, जैसे हमारा कोई भी टापू है, आइलैंड है, जैसे ये है, तो इसके आसपास पानी होगा, तो आइलैंड के बिल्कुल साथ में जो रीफ बनता है उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। इसके बीच में थोड़ा सा लेगून की जगह हो सकती है, अगर इन दोनों के बीच में ये जो रीफ बनता है और आइलैंड होता है, इनके बीच में अगर लेगून होगा भी, पानी वाटर बॉडी होगी भी, तो वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। अब बैरियर रीफ क्या होता है? बैरियर रीफ से ही आपको पता चल रहा है कि आइलैंड और रीफ के बीच में क्या होगा, बैरियर होगा। ये है आइलैंड और ये जैसे बना रीफ, तो इसके बीच में लगून हो सकता है, वाटर बॉडी हो सकती है, काफ़ी जो है वाइड वाटर बॉडी होती है, तो इस वजह से ये एक तरह का बैरियर क्रिएट कर देती है, तो इसको कहते हैं बैरियर रीफ। अब अटोल क्या होता है? अटोल होता है जब बहुत सारे सारे बैरियर रीफ जो होते हैं वो सर्कल की पोजीशन में आ जाते हैं, सर्कल की पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे ये भी हमारा कोरल रीफ है, ये भी कोरल रीफ है, ये भी कोरल रीफ है, तो ये एक तरह की सर्कुलर पोजीशन में आ गए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अटोल। ये ज़्यादातर जो बनता है ये सी में बनता है। और जब हमारे फ्रिंजिंग रीफ, जो हमारे फ्रिंजिंग रीफ होते हैं जो डूब जाते हैं, फ्रिंजिंग रीफ जब डूब जाते हैं वो बनाते हैं अटोल। फ्रिंजिंग रीफ या तो डूब जाए या वहाँ पर जो है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे जो बनते हैं वो बनते हैं अटोल। और ये जो पैच रीफ है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, पैच रीफ जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये ज़्यादातर कहाँ बनते हैं? जो हमारे फ्रिंजिंग रीफ होते हैं और बैरियर रीफ होते हैं उन दोनों के बीच में जो बनते हैं उनको कहते हैं हम पैच रीफ, उनको कहते हैं पैच रीफ। तो इस तरह से जो कैटेगराइजेशन की गई है चार तरह से की गई है। और जो हमारा लक्षद्वीप है वो है अटोल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है अटोल में, अटोल में। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में भी काफ़ी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो गल्फ ऑफ मनार है, गल्फ ऑफ कच्छ है, वहाँ पे भी जो है इंडिया में क्या पाए जाते हैं? कोरल रीफ। तो चलिए चलते हैं आगे। अब कोरल ब्लीचिंग क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कोरल को सर्वाइव करने के लिए एल्गी पर डिपेंड रहना पड़ता है, यानी कि जूज एंथला पर डिपेंड रहना पड़ता है। और टेम्परेचर कितना होता है? 20 से 25। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाता है, तो क्या होता है, जो हमारे कोरल रीफ होते हैं ये एल्गी को एक्सपेल कर देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। ये जो कोरल रीफ होते हैं एल्गी को अपने से दूर कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारे मैंने आपको बताया था जो कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स ये क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। और इनको ये जो कलर मिलता है ये एल्गी से मिलता है, और भोजन भी एल्गी से मिलता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एल्गी को ये अपने से एक्सपेल कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, अब इनको ना तो इनके पास कलर रहता है, अब ना इनके पास जो है भोजन रहता है, इसकी वजह से ये वाइट कलर के हो जाते हैं, इनका रंग उड़ जाता है। इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसको क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं, एल्गी को ये अपने से दूर कर देते हैं, ना इनको भोजन मिल पाता है, ना इनको क्या मिलता है, कलर मिल पाता है, तो इस वजह से ये वाइट कलर के हो जाते हैं। तो इसी फिनोमिना को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोरल डेड हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोरल डेड हो जाता है। हाँ, इस जो कंडीशन है जब कोरल ब्लीचिंग हो रही होती है तो तब जो है कोरल रीफ जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। अगर जल्दी से जो है कंडीशंस दोबारा से ठीक हो जाती है तो एल्गी दोबारा से कोरल रीफ के पास आ जाता है और वो मरने से बच जाता है। लेकिन अगर जो है कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली कोरल रीफ की डेथ हो जाती है, कोरल रीफ की डेथ हो जाती है। तो ये इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कोरल ब्लीचिंग। जब ये एल्गी को एक्सपेल कर देता है और जीने के लायक नहीं रहता, एडवर्स कंडीशंस हो जाती है, स्ट्रेसफुल। इसके अलावा
सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये नहीं होता, इसके अलावा ऑयल, अगर जो है ओशियन में जो है ऑयल की लीकेज हो गई है उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। मेन कारण इसका इंक्रीज इन टेम्परेचर ही होता है। इसके अलावा सेडिमेंट्स, अगर सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं उस जगह पे तो तब भी जो है कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर जो है ओशियन में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो फिर भी जो है कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा ऑयल की लीकेज हो जाए फिर भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से देखा जा सकता है। पोल्यूशन, आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया, ये भी एक मेन कारण है कोरल ब्लीचिंग का। तो अगर आपको पूछा जाए कि कोरल ब्लीचिंग क्या सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने से होती है, नहीं, इसके अलावा भी और कारण होते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये था हमारा कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ।